30,000 की। हाँ सर, एक मिनट। फिर जो सर अब ऑर्गेनिक वाली जो बात चल रही है, अभी तीन तरह का एक प्रयोग चल रहा है हम लोग के यहाँ, है ना। अभी ज़्यादातर जो चल रहा है, एक चारों तरफ गड्ढा कर दिया जाता है 3x3 का, चारों तरफ खेत के, जिसे पानी जो आता है वर्षा का वो सॉल्व हो गया, नीचे चला गया, तो वो फिर बाद में तक काम देता है। एक ये हुआ। दूसरा वही गाय का गोबर, मूत्र, गुड़ और कुछ ये पौधा का सरण, ये लेके एक बनाया जाता है अथी लिक्विड, और उसका छिड़काव होता है। ये दो चीज़ है अभी जो चल रहा है अभी न्याय पद्धति में। और एक है सर उसी का जड़ जो है 7 लेयर्स वाला, जिसमें अनेक तरह का अरहर का डाला जाता है, केला का लेयर होता है, फिर पपीता डाला गया, और नीचे का दिया जाता है जो कि केला और पपीता और पीपल का जो जड़ है ना, एक दूसरे को कोई गर्मी में जैसे दिखाता है दो भाई वाला, उसमें यूट्यूब पर जो सरदार है उसमें भी था फोर्ट वाले में, तो जड़ से जड़ लेता है पौधा। इसमें क्या है सर? ये सब अपने अपने फंडे जिन्होंने उन्होंने निकाले हैं। अच्छा, ये क्योंकि उनके ऊपर आप निर्भर रहे। मैं पिछले 30 साल से एक ही काम कर रहा हूँ कि मूलभूत विज्ञान किसान को समझो। मैं कि गवर्नमेंट को भी वही रिकमेंडेशन हमेशा देता हूँ, अगर जहाँ का मुझे ज़रूरत पड़ती है या ये आता है, समय आता है तब, कि किसान को केवल मूलभूत विज्ञान बता दो, वो अपना टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा। इसलिए मैंने पहले शुरू में ही विज्ञान और तंत्र ज्ञान का फर्क बताया है। लोग विज्ञान को ही तंत्र ज्ञान कहते हैं और तंत्र ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ उसका पानी ही बनेगा, ये मूलभूत विज्ञान है। लेकिन उसी पानी का उपयोग करके नींबू शरबत बनाए, कोई पेप्सी बनाए, कोई कोका कोला बनाए, लेकिन बिना हाइड्रोजन ऑक्सीजन का होगा ही। टेक्नोलॉजी है ये जिसके उसके ज़रूरत के अनुसार उन्होंने बनाए हैं। लेकिन मूलभूत विज्ञान पानी कैसा बनता है ये है, ये दुनिया में कहीं पे। तो मूलभूत विज्ञान अगर हम किसान को बता देते हैं तो वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। सैकड़ों सालों से खेती कर रहा है, उतनी अकल उसके पास में है। हम आज क्या होता है कि थोड़े से पढ़े लिखे हो गए कि उसको जाके अकल सिखाने को जाते हैं कि किसान यानी बिंडो, और हमें ही बहुत किताबें पढ़ के अकल आ गई है। तो हम अगर उसको मूलभूत विज्ञान बताएंगे वो अपने अपने फंडे बराबर। अच्छा सर, जैसे फ्रूटिंग हो गया, पानी का भी, अमरूद पानी क्या है ये बताओ, उसमें ये डालो वो डालो वो मत बताओ, वो क्या है ये बता, तो उसके लिए पर्याय किसान खुद ढूंढ लेगा। हाँ, उसका जो क्या उसमें है, अगर है तो है, नहीं तो अच्छा एक अगर कीड़ा जो लगता है सर, मान लीजिए एयर नोमिनेशन हो, कीड़ा के लिए क्या आपका ये सब जो कभी कभी हमारी भारतीय संस्कृति किसी को मारने की संस्कृति नहीं है, तो ये आदमी को भी क्यों, ये अभी क्या हो रहा है कोरोना के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या कही, सबका रेजिस्टेंस पावर बढ़ा तो कोरोना होगा ही नहीं। तो वही पौधों में भी है ये जीव शास्त्र, तो हम पौधे को इतना अगर इतना पड़े जो उसमें कीड़ा लगेगा ही नहीं, 10-5% आ गए तो वो प्रकृति का सिस्टम है, कीड़े की जरूरत है प्रकृति को, वो उतना। अगर एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, वार्मिंग नहीं होगा, ये सब तो नहीं पैदा लेगा वो, जैसे मच्छर पैदा ले लेता है जबकि तब जबकि दिक्कत होता है। चलिए सर एक चीज़ बताइए, अब ये जो है सर, अब तो कंसेप्ट क्लियर कर दिए आपको, तो पहले से भी देखे हैं आप, जुड़े हुए हम लोगों के मिथिला मॉडल गांव में देते हैं, तो काफ़ी प्रतिक्रिया भी अच्छी आती है आपके बारे में, बहुत से लोग हम लोग देते हैं, कई लोग देते हैं जो जानकार है, तो आज तो बहुत ही ये हुआ। तो अब हम लोग जो है सो इस पद्धति से हम लोग करेंगे, जब इलेक्शन है वहाँ दिसंबर तक, जनवरी 14 जनवरी के बाद से हम लोग सारा प्लानिंग बना रहे हैं सारे गाँव में कहाँ क्या करेंगे, है ना। तो जो आपके सुझाव आए हैं, आपका जो अनुभव है, उसको हम ये करेंगे, वहाँ प्रयोग करेंगे और अच्छी तरह प्रयोग करेंगे, उसमें आपका हमसे सहयोग चाहिए, और सहयोग तो आप हमेशा देने के लिए किसी को तैयार होते हैं। और यही दिक्कत है अपने देश में, जो जहाँ ज़रूरत है मेरिट की प्रतिभा है जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, उसको लोग एक तो सिंबल दिखा देते हैं कहीं लेकर के जिसको दिया गया, लेकिन लोकल स्तर पर प्रशासन या जो जिम्मेदार सांसद या विधायक हैं या जो संवेदनशील होना चाहिए था नागरिक को या संस्था को, वो नहीं है, है ना। और फालतू चीज़ में वो लोग ज़्यादा उसको हवा दे करके के उन लोगों के साथ चले जाते हैं। तो अब ज़रूरत है जो ऐसा हो जो रियल में जो ट्रेडिशनल, इसीलिए मोदी जी भी बोलते हैं, स्वभाव भी उनको दिया गया जो ट्रेडिशनल करो खेती और मॉडर्न भी करो, इसलिए जो ट्रेडिशनली में जो आप भी बता रहे हैं उसका अनुभव बहुत सारे तो फकरे में ही लिखा हुआ है, ये पौधा होगा बादल छाएगा तो ऐसा हवा निकलेगा, जो बोलते थे वो होता था, वो क्या था, वो तो उनका ट्रेडिशनल अनुभव था, है ना। तो चलिए बहुत अच्छा है सर, और हम लोग आपका एक संदेश दे दीजिए हमारे पूरे मिथिला के लोगों को, किसान को,
जो कि बहुत अच्छा है, और जब भी कभी होगा इसमें, जब भी शुरुआत होगी तो आपका पूरा सहयोग मन मिलेगा, इसी की प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, तो आपसे है। और आपके ऐसे इतने साल के अनुभव और नए प्रयोग को हम लोग मिथिला के लिए, पूरा देश है, अपना है, और उसको एक उन्नति करें और उसमें दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपना समय भी दूसरे इंगेजमेंट को छोड़ करके आए। हाँ जी जी, आकाशवाणी, हाँ आकाशवाणी में। चलिए प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।